सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, सोगे जाके भी बढ़िया ना। सोगे अपना गेम के अंदर आ चुका है एक न्यू फिटेड बिल्ड, जिसमें आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा एक न्यू घंटा वाला इमोट। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक बंडल हो खैर। तो कुछ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये दोनों निकालने के लिए कितना डायमंड लगने वाला है, और उसके अलावा आप सभी लोग को बताऊँ कि क्या आप लोग को ये दोनों रिवॉर्ड निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए, वो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मैं चैनल पे नए हो या पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। सो चलिए इस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आता हूँ लक लेवल पे, लॉक लेवल पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा न्यू फिटेड बिलो क्या। तो जैसे कि आप सभी लोग देखते हो यहाँ पे आप लोग को एक घंटा वाला इमोट देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे आप सभी लोग एक बंडल देखने को मिल जाएगा क्या। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये दोनों निकालने के लिए कितना डायमंड लगने वाला है, या फिर क्या आप लोग को ये दोनों ये रिवॉर्ड निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो बाकी यार तो आप लोग देखते तो मेरे पास अभी डायमंड नहीं है, तो मैं आप लोग को निकाल के नहीं बता सकता, लेकिन यार मैं आप लोग को बताता हूँ कि कितना डायमंड लग सकता है खैर। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो घंटा, तो घंटा वाला इमोट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पर एनिमेशन वगैरह काफ़ी अच्छा लगा हो खैर। यहाँ पर देखते तो यहाँ पर बंडल भी है, तो बंडल भी मेरे को अच्छा लगा, आप लोग निकाल सकते हो खैर। तो अब बात करते हैं कि कितना डायमंड लगने वाला है। तो गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये दोनों निकालने के लिए आप लोगों को कम से कम 500 डायमंड होना चाहिए। अगर 500 से 600 डायमंड है आपके पास, तभी आप लोग ये दोनों रिकॉर्ड आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गरीनर जब भी आप लोग को देते हैं तो वो लास्ट पे स्पीड में ही आप लोग को मिलता हो क्या। जो भी आप लोग को जो मेन रिकॉर्ड होता है वो आप लोग को लास्ट स्पिन में आप लोग को मिलता है। तो कुछ मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि आप लोग अगर पास से 500 से 600 डायमंड है, तभी आप लोग ये दोनों आइटम को निकाल पाओगे हो खैर। तो गज बाकी आप लोग देखते हो मेरे पास अगर डायमंड रहता तो मैं आप लोग को निकाल के दिखा देता हूँ खैर। तो गज मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि ये इमोट या फिर बंडल निकालने के लिए कितना डायमंड लगने वाला है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से बता दिया हूँ। बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, मिलता अगले नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।